This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. इसमें आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगी, 24/7 आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जो इस RDP की सबसे कमाल की चीज है जो आप लोग मुझसे डिमांड करते हो। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जो RDP है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो रैम है इस RDP की वो 32 GB है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और जो प्रोसेसर है वो इंटेल का, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ शो हो रहा है। अब आप अपनी मर्जी से इस RDP के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफी सादा जो विंडोज के सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है, तो आप भी अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 3 हफ्ते के बाद आपका भाई वापस आ चुका है। काफी अरसे के बाद आया हूँ, लेकिन भाई जो चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा। जो फ्री RDP आज मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा वो आप लोगों की तमाम डिमांड्स पूरी करती है जो आप लोग मुझसे करते हो। जरा आज की इस फ्री RDP की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस फ्री RDP में फुल एडमिन एक्सेस मिलेगी, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, कहीं और आप उसका यूजर नेम पासवर्ड सेंड करके कहीं और लॉगिन करवाना चाहो तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। उसके अलावा आपको 32 GB आपको इस फ्री RDP के अंदर रैम मिलेगी, उसके अलावा 24 कोर का आपको CPU मिलेगा, और आज की इस वीडियो में जो आपको मेमोरी मिलने वाली है वो मिलेगी आपको NVMe की। जो स्टोरेज है आपकी वो आपको NVMe की मिलेगी, जो की काफी ज्यादा फास्ट होती है बनिस्बत दूसरी स्टोरेज के। उसके अलावा आपको विंडो सर्वर मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग से सबसे ज्यादा डिमांड करते हो, इसमें आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगी, 24/7 आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जो इस RDP की सबसे कमाल की चीज है जो आप लोग मुझसे डिमांड करते हो। आज की इस वीडियो में आपकी तमाम जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीट होने वाली है, बस आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी से देख लेना है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, कमेंट लाजमी करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। लव यू हो गया आप सब लोगों को, आप लोग हमारे कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, खास तौर पर ये ChatGPT वाले को, तो भाई इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे, मैं भी कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने PC में। तो सबसे पहले आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने सिंपल गूगल में जाना है, गूगल में जाकर आपने सर्च करना है फ्री RDP होस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, आपने सिंपल गूगल में जाकर सर्च करना है फ्री RDP होस्टिंग सर्च करना है, और आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेंशन है फ्री RDP होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम, आपने क्या करना है इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज पहले कंफर्म कर देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और मेरे पास जो RDP है सक्सेसफुली रन हो रही है। अब मैं जो आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा ना वो जस्ट टेम्परेरी होगा आपको सिखाने के लिए, बाकी मेरा अकाउंट एक्टिवेट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्री RDP होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने मजीद भी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ को, अब यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको फ्री RDP होस्टिंग सर्वर प्लान, ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज आ जाती है प्लान। अब देखिए यहाँ पर आपको दो प्लान जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं, ये पहले दो जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी जो है यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी अगर आप ट्रायल लेना चाहो, यहाँ पर आपके सामने नजर भी आ रहा है। और जो एक और प्लान है यहाँ पर आपके सामने ये वाला, इसमें आपके तकरीबन $12.5 पर मंथ जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगी, लेकिन हमारा इसमें कोई काम ही नहीं है, हम भाई फ्री के यहाँ पर सर्वर यूज करेंगे। यहाँ पर दो किस्म के आपको सर्वर देखने को मिलते हैं, एक है सोलो और एक है एक्सपर्ट, और यहाँ पर आपके सामने देखें 32 GB रैम, 32 GB आपको यहाँ पर रैम मिलती है, उसके अलावा 24 कोर का CPU मिलता है, और जो मैंने आपको बताया था इसमें आपको जो स्टोरेज मिलती है वो NVMe की है, 256 GB की आपको यहाँ पर NVMe स्टोरेज मिलती है, उसके अलावा 1 GB की आपको इंटरनेट स्पीड मिलती है, जो यहाँ पर सर्वर है वो आपको विंडो का मिलेगा, जबकि इसके अंदर आपको लिनक्स सर्वर मिलता है। अब जो एक्सपर्ट सर्वर है इसमें एक इशू है कि यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस होगा वो शेयर्ड होगा, मतलब कि आपके अलावा लोग भी उसको यूज कर रहे होंगे, जब आप यूज कर रहे हो तब कोई और यूज नहीं कर पाएगा, जैसे आप अपनी RDP को बंद करोगे कोई और बंदा उसको एक्सेस कर पाएगा, यही इसके अंदर इशू है। लेकिन यार फ्री की RDP आप कोई भी अपना काम इसके अंदर
कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट सर्वर क्रिएट करना सिखाऊंगा। सोलो सर्वर का भी जो प्रोसीजर है वो सेम ही होगा, ठीक है। अब सोलो वाले में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट होता है, मतलब कि आप ही उसको यूज कर पाओगे, उसके अलावा कोई और इसको यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये वाली है विंडो सर्वर वाला, इसमें शेयर्ड आईपी आपको मिलता है। तो मैं आज आपको यही क्रिएट करना सिखाऊंगा। सिंपल हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सिंपल गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने देखें साइन अप नाउ का ऑप्शन मिलेगा जो कि है एक्सपर्ट सर्वर फ्री सर्वर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल साइन अप नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप नाउ पर क्लिक करोगे ये आपको न्यू पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना होस्टिंग नेम देना है, मतलब कि आपके जो अकाउंट का नेम होगा ना वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ क्योंकि मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ ये तो मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने ओरिजिनल नेम देना अपना, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ये आपको न्यू पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों बॉक्स को चेक कर देना है और आपने यहाँ पर सिंपल चेकआउट पर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पर आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है, कंप्लीट डिटेल, और आपकी वो रियल होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपना नेम देना है, उसके बाद सेकंड नेम देना है, यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल ईमेल देना है, जो आपका जीमेल का अकाउंट होगा वो आपने देना है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐड करके सिखाया। उसके बाद आपने फोन नंबर देना है, रैंडम दे दे कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने कंपनी नेम देना, कुछ भी दे दे कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपने एड्रेस देना है, आप गूगल में से भी कोई एड्रेस निकाल कर यहाँ पर ऐड कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर आपने सबसे पहले तो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से अपना रहे हो तो आपने पी लिखना है, तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी सिटी, जिस भी सिटी में आप रहते हो आपने वो ऐड करनी है। यहाँ पर आपने अपना जो स्टेट है, मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर पंजाब लिख दूंगा, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। उसके अलावा यहाँ पर आपने अपना जो पोस्टल कोड है वो आपने ऐड करना है। तो पंजाब का ज्यादातर यही होता है 40100, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। जैसे आप ये ऐड कर लो, उसके बाद यहाँ पर आपने देखो आपको ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रोल करना है थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर इस जगह पर आपको पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है। पहले यहाँ पर आपको कहा जाता है कि पासवर्ड टाइप करें, फिर वही वाला पासवर्ड इस तरफ रीटाइप करना होता है। हो सकता है कि मैंने इस ब्राउजर के अंदर अकाउंट पहले से बनाया हो, इस वजह से मुझे यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर इसको गूगल सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपने पासवर्ड ऐड करना है, वही पासवर्ड आपने यहाँ पर रिटाइप करना है। उसके बाद आपने सिंपल कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर आपके सामने ऑर्डर कंफर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका जीमेल का अकाउंट है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था, उस पर ईमेल सेंड किया गया, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। अब मैं इस ब्राउजर को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने रियल जीमेल अकाउंट पर और रियल ब्राउजर पर, ताकि मैं आपको बाकी का प्रोसेस समझा सकूँ। तो ये वाला मेरा जीमेल अकाउंट है। जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको ये दो तीन ईमेल आते हैं एक साथ ही, तो आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है और वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको ले जाएगा आपके वेबसाइट वाले मेन डैशबोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे आप ईमेल पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर वेरीफाई पर, तो ये आपको आपकी वेबसाइट के होम पेज पर ले आएगा। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पर आपके सामने ये कोई भी डिटेल शो नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने देखें सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका एक्सपर्ट सर्वर है आपको इस तरह शो होगा, और ये जो इसका स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपको पेंडिंग शो होगा। फिर मैं आपको ईमेल में ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, वी रिसीव 100+ ऑर्डर एवरी डे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपके तकरीबन एक्टिवेट होने में आपका जो अकाउंट है, जो आपका सर्वर है, उसको एक्टिवेट होने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। लेकिन आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना, तो मेरे 2 दिन लगे हैं। 2 दिन के बाद मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हुआ है। तो आपने भी अपने माइंड में रखना है, तकरीबन आपके 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे ही आपका
बाद जब अकाउंट एक्टिवेट होगा तो ये वाला जो फर्स्ट ईमेल है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, योर आरडीपी सर्वर इज रेडी टू लॉगिन। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ और आपको बता दिया जाएगा आपका जो प्रोडक्ट नेम है, जो आपका सर्वर नेम है वो एक्सपर्ट है। यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसके अलावा आपका यूजर नेम मिल जाता है और पासवर्ड के लिए आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ले जाएगा आपको फ्री आरडीपी होस्टिंग की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर भी आपको आपका जो आईपी एड्रेस है वो भी मिल जाता है, उसके अलावा जो आपका यूजर नेम है वो भी मिल जाता है और जो पासवर्ड होगा ना वो आपका ये वाला है पूरा, ठीक है। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करके इसको कॉपी नहीं करना वरना ये एक्स्ट्रा वर्ड भी कॉपी हो जाएंगे। आपने मैनुअली आपका जो पासवर्ड होगा इस तरह आपने इसको कॉपी करना है ध्यान से कि कोई और वर्ड यहाँ पर आपसे कॉपी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो कॉपी करना है। एक और मजे की बात, हर 24 घंटे के बाद जो आपका ये पासवर्ड है वो चेंज होगा। पासवर्ड को लगाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना ही पड़ेगा। यूजर नेम और जो आपका आईपी एड्रेस है वो सेम ही रहेगा, लेकिन हर 24 घंटे के बाद जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर रिन्यू होगा, उसके लिए आपने वेबसाइट पर आना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, आपका जो यहाँ पर यूजर नेम और आपका आईपी एड्रेस वगैरह आपको मिल जाए, अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपने सबसे पहले अपना जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद अपने विंडो में आकर सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने वो अपना जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो मेरा यूजर नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, क्योंकि मैंने अपना जो आरडीपी है उसको लॉगिन किया हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे आपने सिंपल यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद आपने सिंपल कनेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे देखें आपका यूजर नेम फाइनली ये मांग लिया इसने, आपसे यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा। यूजर नेम आपका ये वाला होगा एक्सपर्ट, ठीक है। उसके अलावा जो पासवर्ड होगा वो आपने ध्यान से यहाँ से कॉपी करना है, पूरे वर्ड कॉपी करने हैं आपने, कोई एक्स्ट्रा वर्ड आपने कॉपी नहीं करना। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और आपने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप पासवर्ड देख भी सकते हो कि आपका जो पासवर्ड है वो करेक्ट यहाँ पर पेस्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लो कि पासवर्ड ठीक है, उसके बाद आपने रिमेम्बर मी पर क्लिक करना है ताकि जब अगेन आप आओ तो आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत ना पड़े। तो आपने इसको चेक कर देना है, उसके बाद सिंपल आपने ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने देखें जो आपकी आरडीपी वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। चंद ही सेकंड के बाद आपने जस्ट वेट करना है चंद सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने देखें ये लोडिंग हो गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्वर देखने को मिल जाएंगे, तो आपने कोई सा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि डिस्कनेक्टेड टाइम। अब मैंने जो लास्ट टाइम अपनी आरडीपी को छोड़ा था ना, वो आरडीपी को छोड़े तकरीबन 39 मिनट हो गए, तो यहाँ पर वो मुझे शो कर रहा है। तो यही वाला सर्वर मैं सिलेक्ट करूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जो आरडीपी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको इस आरडीपी की स्पेसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने वहां पर भी आपको दिखाई थी, लेकिन आरडीपी के अंदर भी दिखा देता हूँ भाई, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो रैम है इस आरडीपी की वो 32 GB है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और जो प्रोसेसर है वो इंटेल का, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ शो हो रहा है। विंडोज सर्वर जो है वो 2019 है, जो कि इनफ है यार, हर चीज इसके अंदर इजीली हो सकती है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो 256 GB की हमने NVMe सिलेक्ट की थी, तो देख लेते हैं हमें मिली है कि नहीं मिली। तो यहाँ पर आपके सामने अभी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 255 GB, बिल्कुल वही वाली आपको स्टोरेज मिली है जो आपने वहाँ पर एक्सपर्ट सर्वर के अंदर देखी थी। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट के लिए यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप अपनी मर्जी से इस आरडीपी के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफी सादा जो विंडोज के सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है, तो आप भी अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी आईपी एड्रेस लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले चेक की थी, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी जो सिटी है वो डेलस है, और जो रीजन है वो टेक्सास है, और जो कंट्री है वो यूएस की है, ठीक है। यानी कि यूएसए की आपको यहाँ पर फ्री आरडीपी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट के बगैर तो भाई हमारा काम ही अधूरा है। तो यहाँ पर सिंपल हम स्पीड टेस्ट सर्च कर लेंगे गूगल में, यहाँ पर बल्कि मैंने वो भी की हुई थी। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओकला की इस वेबसाइट को ओपन करते हैं speedtest.net की, और आपको चेक करवाता हूँ कि क्या मस्त आपको इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है इस फ्री आरडीपी में। तो यहाँ पर सिंपल हम गो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंटरनेट स्पीड है वो शो हो जाएगी। अरे भाई साहब चेक करें, अच्छा ये अभी कम है, ये जाएगी तकरीबन 1 GB तक। ये देखिए आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज हो रही है, 800 MB तक चली गई है। तकरीबन 1 GB का आपको यहाँ पर इंटरनेट मिलता ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने शो भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने 800 MB दिखा रहा है, लेकिन ये 1 GB में ही कंसिडर होती है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब भाई आपको आरडीपी मिल चुकी है, आपको मैंने तमाम इसकी स्पेसिफिकेशन भी चेक करवा दी है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप जब तक चाहे आप
इसको यूज कर सकते हो और इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। बस इसके अंदर जो एक डाउनफॉल है वो यही है कि ये शेयर्ड आईपी वाली है, इसके अंदर आपके अलावा भी लोग इसको यूज कर सकते हैं। बस जो ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट काम है ना वो आपने इसके अंदर नहीं करना, अदरवाइज आप अपना कोई सा भी काम इसके अंदर इजिली कर सकते हो। यूट्यूब चलाओ, जो भी आप इसके अंदर यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो, और आप अपने रियल कंप्यूटर से भी इसके अंदर जो भी फाइल ट्रांसफर करना चाहो वो भी आप इजिली कर सकते हो। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, आप लोगों ने लाजमी से कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोगों ने लाजमी से इस वीडियो को लाइक करना है जितने हो सकते हैं। मैं कोई लाइक एम नहीं बता रहा आपको, बस यार जो मैंने आपकी डिमांड पूरी की है ना उसके अकॉर्डिंगली आपने वीडियो को लाइक कर देना है। मैं देखूंगा कि आप कितना इस वीडियो को लाइक करते हो, अच्छा सा आपने कमेंट कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।